इंटू एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो इस पूरे स्टेटमेंट को क्या मान लेंगे? तो पहले स्टेप वन क्या है? P of one. क्या आ रहा है बताओ? वन क्यूब प्लस टू क्यूब, सॉरी पी ऑफ वन में क्या वेरीफाई करेंगे? यहाँ तो वन क्यूब रहेगा और उधर क्या आ रहा है? क्या वन टू बाई टू कट गया ना वन का, है ना? ये वेरीफाई हो गया। स्टेप टू में क्या होगा बोलो? अज्यूम दैट पी ऑफ के इज ट्रू। पी ऑफ के इज ट्रू, अज्यूम पी ऑफ के इज ट्रू। Assume P of K sir, is मैंने अभी join किया, कुछ important नहीं किया ना अभी तक। अभी start किया है। Assume P of K is true, ठीक है। Step 3 क्या होता है? To prove P of K plus one is true. ठीक है। आप जो assume करते हो उसको आप लिखते हो ना बगल में, क्या assume किया है आपने? One cube, two cube, up till K cube. Is equals to बोलो क्या आएगा? K into K plus 1 divided by 2 the whole square. यहां तक clear है? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. हम लोग क्या प्रूव करना है? P of K plus. मतलब क्या हम लोग को टू प्रूव वाली हमारी स्टेटमेंट क्या है? हम लोग क्या चाहते हैं प्रूव करना? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टिल K plus 1 का मतलब क्या होगा? 1 से लेके K तक नंबर लिखे रहेंगे, राइट? नहीं? यस सर, यस बोलो। यस सर, क्या होगा बताओ? बोलो क्या होगा? K क्यूब तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां तक की वैल्यू तो मालूम है सर। क्या होगी वैल्यू? K इंटू K प्लस वन बाय टू होल स्क्वायर। प्लस ये बात चमकती है? यस सर। K plus 1 square I have taken out. So now what is left? K square by 2 plus K plus 1. You clear? Yes, सर। डिवाइडेड बाय 4 होगा ना? डिवाइड बाय 4 कैसे हो गया? होल स्क्वायर, सो होल स्क्वायर है। यहां 4 आएगा। K प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या लिखा है? K स्क्वायर प्लस 4K प्लस 4 बाय 4। क्लियर है? yes, ये क्या लिखा है? K प्लस 1 का होल स्क्वायर, K प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 4। इतना क्लियर है? यस सर। सभी को क्लियर अच्छे से? यस सर। नेक्स्ट बोलो। और क्वेश्चन हो गया ना सर? क्वेश्चन नंबर 3 पे भी है। रब करें? यस सर। हाँ सर। यस सर। कौन सा करना है बताओ?
सर फोर्थ वन क्वेश्चन थ्री कुछ भी नहीं बन रहा। थर्ड टर्म क्या होगा? थर्ड टर्म लिख सकते हो वन बाय वन प्लस। फोर्थ टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म क्या होगा बताओ? वन बाय वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट 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 प्लस टेन। और यहाँ पे क्या होगा? टू एन बाय एन प्लस वन। सर इसको ना मैंने ना इनवर्स करके लिया, वो हो सकता है ना? नहीं नहीं कर सकता इनवर्स, ऐसे उल्टा कर दिया मैंने। वन प्लस वन प्लस टू वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट डॉट का सम ऐसा, उसका सम एन प्लस वन बाय टू एन थोड़ी ना आएगा। खुद दिमाग लगाओ ना, कैसे आ सकता है? इसको पी एन माना। सो नाउ व्हाट शैल वी डू बताओ? पी ऑफ वन पहले चेक करें। स्टेप वन बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। स्टेप वन क्या है? पी ऑफ वन चेक करना है ना। तो पी ऑफ वन यहाँ पे वन बन गया और यहाँ पे क्या है? टू इंटू वन बाई टू। योरे कट गया तो क्या आ गया बोलो? वन इज इक्वल टू वन। क्लियर है? यस सर। स्टेप टू क्या होगा? To assume P of K is true. ठीक है, तो अगर P of K true है then क्या लिख लेंगे बोलो? वन प्लस वन बाय वन प्लस टू प्लस वन डॉट 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 वन बाय वन प्लस टू प्लस डॉट 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 के इज इक्वल टू टू के बाय के प्लस वन। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। स्टेप थ्री में क्या होता है? हम लोग क्या चाहेंगे प्रूफ करना? टू के ऑफ के प्लस वन। तो हम लोग उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? पी ऑफ के प्लस वन का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो P of K plus 1 का स्टेटमेंट क्या होगा? समझे? यस सर। क्या प्रूव करना होगा बताओ? 2K plus 2 by K plus 2। चमका नहीं चमका? यस सर। यही प्रूव करना है ना। सो हाउ शैल वी एंडेवर टू प्रूव दिस? ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना? यस सर। यस सर। तो टू के बाई के प्लस वन चमका। यस। और ये जो नीचे लिखा है ये तो एपी का सम है ना? किस एपी का सम है बताओ? के प्लस वन के प्लस टू चमका। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अभी अगर मैं दोनों भाई एपी का सम मालूम है ना? यस सर। यस सर। एसएन। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है देखो? टू बाई के प्लस वन मैंने बाहर ले लिया तो बताओ ऊपर में क्या लिखा है? क्या बच गया यहाँ पे? के प्लस वन बाई के प्लस टू। क्लियर है? यस सर। यस सर। अभी अगर ऊपर में मल्टीप्लाई कर ले, स्टेप लिख दूं मैं सारा, तो के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन लिखा है और नीचे में क्या लिखा है? के प्लस टू लिखा है। तो क्या yes, हो गया sir. बोलो? टू बाई के प्लस वन, के प्लस वन का होल स्क्वायर बाई के प्लस टू। क्लियर है? ये और एक कट गया, ना आंसर आ गया बताओ? k प्लस वन बाय k प्लस टू। तो क्या है? 2k प्लस टू बाय k प्लस टू। क्लियर है? यस सर। सर किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट मीत परमार। सॉरी सर। हेलो सर। बोलो सर, ये एपी का सम क्या होता है? आपने अभी बोला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम नहीं आता तुमको?
वन प्लस टू से लेके एन तक का सम नहीं सिखाया गया टेंथ में क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता यार, एन इन टू प्लस वन बाई टू ये नहीं सिखाया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम? हाँ सर, याद है याद है। थैंक यू सर। सर सर उसमें मुझे डाउट है सर एक। बोलो सर, जब हम मतलब ये सम सॉल्व करते हैं तो k प्लस वन को प्रूव करने के लिए हमें कहाँ तक सॉल्व करना है? कि अभी 2k प्लस वन बाय k बाय k प्लस टू आया, सर उसे सिंपलीफाई पूरा पूरी तरह से सिंपलीफाई करना है या फिर बीच में नहीं ऐसे छोड़ सकते क्या? क्या तो पूरी तरह से सिंपलीफाई करना पड़ता है क्या? जहाँ जो स्टेटमेंट p ऑफ k प्लस वन है वहीं तक है और क्या? ओके सर। सर मुझे ना ये जो 2k + k / 2k / k + 1 + 2/k + 1 / k + 2 है ना स्टेप, उसमें मुझे नहीं समझ आया 2 / k + 1 × k + 2 कैसे आया? क्या 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 सर? मैं बोल रहा हूँ कि ये जो स्टेप है ना 2k / k + 1 जहाँ लिखा है 2k / k + 1 उसके नहीं उसके ऊपर वाला यहाँ पे हाँ, इसके बाद जो प्लस में 2 / k + 1 × k + 2 आया ना कैसा है वो मुझे नहीं समझा। ये वाला? हाँ सर। तुम लोग को एपी का सम नहीं आता है सर? एसएन का बोल रहे ना सम, सम ऑफ हाँ यार एसएन, एसएन क्या होता है यार? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यार। 1 + 2 + 3 up till k + 1 का सम क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म तो नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 होता है ना एपी का सम। हाँ सर। एपी का सम आता है कि नहीं आता है? यस सर, n बाय 2 प्लस बाय a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इनटू पता नहीं, बस फॉर्मूला तुमने रट लियो यार, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म यही है ना फॉर्मूला? हाँ सर, वही तो यूज किया मैंने उसकी जगह, इसका सम का फॉर्मूला यूज किया मैंने। हाँ सर। अरे इतना क्लियर है? हाँ सर समझा, वो 2 इनवर्स में जाके ऊपर चला गया है। क्वेश्चन क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट बोलो कौन सा करना है? सर फोर्थ वाला करना है। कुछ तो बनाओगे ना? कुछ भी नहीं बन रहा है यार, जो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ नोट्स में कॉपी करते रहिए। इज एग्जांपल सॉल्व 1 2 3 2 3 4 3 4 5 + n × n + 1 n + 2 ये है जी। क्या प्रूव कर स्टेटमेंट क्या है बताओ? n × n + 1 n + 2 हाँ n + 3/4 चमकता है। तो इस स्टेटमेंट को क्या मान लेंगे हम लोग? p of n कोई समस्या है यहाँ मानने में? नो सर। स्टेप वन क्या होता है बताओ? p of 1 क्या होगा बोलो? 1 2 3 और वहां पे क्या आएगा? राइट साइड में क्या आएगा? 1 2 3 4 समझे बेटा? ये अरे कट गया ना, तो पी ऑफ वन तो ट्रू हो गया। स्टेप टू क्या होता है? क्या करते हैं हम लोग कि अगर एन की जगह के डाल दिए तो हम लोग क्या मानते हैं कि अज्यूम पी ऑफ के इज ट्रू। तो p ऑफ k ट्रू में क्या आएगा बताओ? 1 2 3 प्लस
टू थ्री फोर, हाँ बोलो, प्लस के प्लस वन, के प्लस वन, के प्लस टू, दिस इज इक्वल टू, बोलिए, के 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 प्लस के प्लस वन, के प्लस के प्लस टू, के प्लस के प्लस थ्री बाय फोर, बाय फोर। ये क्या है? P of k का value? नहीं, P of k को true लिख के जो आया है, हाँ ठीक है, जो है ठीक। अब step three क्या रहेगा to prove? P of k plus one. P of k plus one. True है ना? तो कैसे लिखेंगे बताओ? One into two into three plus. हम लोगों को जो proof करना है, उसको लिखेंगे ईमानदारी से. टू थ्री फोर प्लस डॉट डॉट डॉट, हाँ, के के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस वन, के प्लस टू इज इक्वल टू, सर सॉरी सर, के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री होएगा ना, हमारा टर्म के प्लस वन है, प्लस के, के प्लस वन, k प्लस टू, प्लस क्या होगा, k प्लस वन, k प्लस k प्लस वन, k प्लस टू, k प्लस थ्री, हाँ जी, क्या प्रूफ करना होगा बेटा, k प्लस वन, k प्लस टू, k प्लस थ्री, k प्लस फोर बाय फोर, समझे? तो कैसे स्टार्ट होगा बताओ, यहां से लेके यहां तक का वैल्यू क्या है, P of k, P of k, ये है ना P of, स्टेप टू से उसका वैल्यू लाकर रिप्लेस कर सकते हैं ना, यस k इंटू k प्लस वन, k प्लस टू, k प्लस थ्री बाई फोर, फोर प्लस बोलो, k प्लस वन, k प्लस टू, k प्लस थ्री, क्या होगा बोलो, k प्लस वन, k प्लस टू, k प्लस थ्री, k प्लस टू, k प्लस थ्री, k प्लस हाँ फोर बाय फोर, तो यहाँ पर सब बाहर निकाले तो क्या बचा है यहाँ पे, k प्लस फोर बचा ना बस, प्लस वन चमका, हाँ yes, सर, बहुत बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, पता नहीं क्यों नहीं बन रहा आप लोगों का, k प्लस फोर बाई फोर हो गया ना प्रूफ, जो हम लोग प्रूफ करने यही निकले थे ना, ये चीज हम लोग यही चीज चाहते थे ना, अरे वही आया कि नहीं आया, yes, sir. तो P of k plus one true proof हो गया ना, हाँ सर, सर बोलो सर, जो सम हमने हम सॉल्व नहीं कर पर पाए नहीं को वापस लिखना है ना, अगर जो बराबर सॉल्व किया तो नहीं लिखना, हाँ सर, हो गया लिख के, सबको कर लेंगे, रब करें, हाँ भाई चलो बोलो,
फिफ्थ क्वेश्चन फिर शुरू हो गया नोट तुम लोग का फिफ्थ फिफ्थ सिक्स्थ यस सर सिक्स्थ सिक्स तुमने ट्राई किया है बताओ कैसे किया है बोलो चलो बताओ स्टेप्स क्या लिखे तुमने 1 into 3 प्लस 3 into 5 हाँ बोलो प्लस 2 and -1 into सर आप सेवेंथ वाला कर रहे हो सेवेंथ वाला ही है अच्छा मैं सेवेंथ कर रहा हूँ क्या Sixth question. तो sixth sixth में sixth में जैसे doubt बताओ बताओ doubt क्या बोलो doubt क्या आ रहा है बताओ कहाँ दिक्कत आई बोलो कहाँ दिक्कत आई अरे किसी बच्चे ने सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा था ना यस सर पूछा तो था हाँ बताओ डाउट कहाँ आ रहा है ठीक है मैं सॉल्व करूंगा भाड़ में जा तमीज एक नंबर के यार ठीक है सिक्स्थ सेवेंथ हाँ सर सेवन डाउट है भाई रुक जा भागियो मत डाउट पूछ के हाँ सर वन थ्री बोल डाउट क्या है सर मैं समझ में नहीं आ रहा मतलब कैसे करूँ इस वाले को क्या समझ में नहीं आ रहे तो बताओ मतलब सॉल्व मतलब लास्ट में सॉल्व नहीं हो रहा है वो लास्ट में कौन सा स्टेप में फर्स्ट रहोगे बताओ सर मतलब वही के प्लस वन में प्रूव करने के बाद वो नहीं हो रहा ठीक है तो इस पूरे को क्या मान लेंगे पी ऑफ एन वन पे वेरीफाई करो वन पे क्या बनेगा लेफ्ट साइड 1 into 3 और राइट साइड क्या बन रहा है 1 into 4 + 6 - 1/3 है ना तो 3 आ गया कट के तो बराबर हो गया ना स्टेप टू क्या है पी ऑफ के को ट्रू मानना अरे हाँ तो पी ऑफ के को ट्रू मानोगे तो क्या होगा बोलो भाई हेलो पी ऑफ के की जगह लिखेंगे क्या लिखेंगे 2k - 1 2k + 1 हाँ बोलो बेटा आगे क्या लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू हाँ हाँ इक्वल टू क्या लिखूं k इनटू 4k² - +4k 6k - 1 बाय 3 अभी स्टेप 3 क्या करना है k प्लस 1 को प्रूव करना है k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है को नहीं k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है ठीक है तो क्या आएगा बताओ K प्लस वन वाला वैल्यू क्या आएगा K को K प्लस वन डाल दिया ना तुम तुमको टर्म्स की फील नहीं है तुमको 2k + 1 2k + 3 है ना हाँ सर तो जस्ट इसकी तुमको फील आ रही है कि 1 के बाद 5 है 3 के बाद 7 है तो मुझे तो 2k + 1 के पहले क्या रहेगा 2k - 1 2k + 1 नहीं ना 2K वही तो गलत कर रहे हो मेरे ख्याल से तुम यहाँ पे क्या टर्म आएगा बताओ कोई इसके जस्ट सर, पहले क्या टर्म आएगा हाँ यार मैंने क्वेश्चन गलत कॉपी किया है क्या 1 3 3 5 था ना सर
जो डाउट पूछ रहा है उसको यही मालूम नहीं है ना कि मैं उसे डाउट किया उसको, वो क्वेश्चन ही देख नहीं पा रहा है, मेरे पास बुक नहीं है। है सर, पता नहीं चला माइनस वन होगा क्या, तो टू के माइनस वन। अरे मैंने क्वेश्चन ही गलत, अरे मेरे भाई मैंने क्वेश्चन ही गलत कॉपी किया था, उस बंदे ने बोला ही नहीं। ओ 1 3 3 5 चलो भाई अब बताओ, 2n-1 into 2n + 4n² + 6n - 1/3 क्लियर है? हाँ सर। तो क्या होगा बता, इसको p ऑफ n मान लें। हाँ सर। तो p ऑफ 1 क्या होगा, 1 into 3 point नहीं है 1 into 2 है। हाँ सर, पॉइंट नहीं है। और यहाँ पे क्या आएगा, 1 into 4 + 6 - 1/3 कितना आ गया, 3 और 3 बराबर हो गया ना? यस सर। हाँ हाँ यस सर। अभी p of k को ट्रू मान रहे हैं, मतलब क्या मान रहे हैं हम लोग, 1 into 3 + 3 into 5 + 7 into 9 + 2n - 2 k - 1 2 k + 1 4 k² + 6 k - 1/3। हम लोग को टू प्रूफ क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, k + 1 के लिए ये जो पूरा स्टेटमेंट है, ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो k+1 के लिए ट्रू है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आएगा, 2k + 3 और यहाँ पे क्या आएगा, 2k - 1 और 2k + 1। हम लोग को यहाँ पर क्या प्रूफ करना पड़ेगा, k + 1/3 into यहाँ डालो इस वाला स्टेटमेंट में, 4k² + 6k - 1 है ना, इसमें k+1 डालो, बताओ क्या आ रहा है, 4k + 1 का होल स्क्वायर + 6k। तुमने ट्राई नहीं किया है पता है बेटा, जिसने डॉट पूछ रहे हो, क्या आ रहा है बताओ। नहीं वो मुझे 1 into 3 है ना, मुझे 1 point लगा वो, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया उधर। इसको ओपन करने पे कितना आ रहा है बताओ, k² + 2k + 1 + 6k + 6 - 1 कितना आया, 4k² + 8k + 6k तो प्लस 14k k + 1 into 4k² + 14k + 4 6 10 9/3 ये प्रूफ करना है, ये बात समझ में आती है? यस सर। आई होप यार, तो यहां तक का वैल्यू तो मालूम है ना हमको, यहां तक के सम का, उसको ला के रिप्लेस कर देंगे तो क्या आ रहा है, k² + 6k - 1/3 बोलो बेटा। हाँ यस सर। यहाँ पे क्या होगा बोलो। हाँ सर, 2k + 1 into 2k + 3 ले लो एलसीएम, k/3 into 4k² + 6k - 1 + क्या होगा बोलो, 4k² (8k + 3) ये क्लियर है? हाँ यस। तो क्या होगा बोलो, k² + 6k - 3 + 12k² +
24k प्लस 9 और नीचे में क्या है? सी है ना, तो सिंपलीफाई होना चाहिए, तो कुछ और ही क्या बन रहा है? 16 के स्क्वायर क्यों बन गया? सब बोल रही क्या? ठीक है, कुछ सिंपलीफाई हो जाता होगा इसके आगे। इसकी जिसका डाउट था उसको यहां तक क्लियर है ना? हाँ सर। इसके आगे भी कर रहे हैं? ठीक है, यहां तक क्लियर है तुमको? हाँ सर, कर लूंगा आप सर। नहीं, वो मैंने बीच में उसको पॉइंट समझ लिया, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करने का है। ठीक है, एक बार देख लो। ठीक है, एक बार ये चेक कर लेना कि ये मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, क्योंकि बाकी तो क्लास कुछ आइडिया है नहीं। सब लोग कॉमन बेवकूफ बनाने का खेल खेलते हैं। हाँ बोलो सर, ये जो क्वेश्चन है ना सर, सो उसमें मैंने जो k प्लस वन जो आपने ये किया k प्लस वन इंटू फोर के स्क्वायर प्लस 14 के प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3, तो उससे मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल में लिया है और फिर आंसर मेरा आ रहा है करेक्ट, तो वैसे भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अरे इतना क्लियर है? यस सर। मैंने 1 से 7 तक डिस्कस किया है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अरे यहां तक क्लियर है? Yes, sir. आपको थोड़ा बहुत समझ में आया क्या मैं क्या बता रहा था? समझ आया सर। मैं 3-4 और क्वेश्चन करता हूँ, डिफरेंट वैरायटी की थोड़ी और फील आएगी आपको। यस, लेट्स से प्रूव दैट 8 की पावर n माइनस 3 की पावर n इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ? pn किसको लेंगे बताओ? इस पूरे स्टेटमेंट को क्या ले लेंगे? n, इस पूरे को p of n ले लेंगे। पहला स्टेप क्या होगा? क्या हुआ? 8 माइनस 3 कितना हुआ? 5 हुआ। वो तो होता है 5 से डिविजिबल। बताओ क्लियर है? यस सर, क्लियर है। दूसरा स्टेप क्या लेंगे? एज्यूम करेंगे पी ऑफ के इज ट्रू। वी एज्यूम दैट पी ऑफ के इज ट्रू, मतलब 8k minus 3k is divisible by 5. Now that implies 8k power k minus 3k power k is divisible by 5 ना? तो कोई भी number जो 5 से divisible हो उसको मैं 5m लिख सकता हूं ना? यस सर। वेयर m इज इंटीजर। बोलो यहां तक।
किसी भी फाइव से डिविजिबल नंबर को मैं 5m लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं सर। क्या प्रूफ करना है बताओ? P of k plus 1 is true, right? तो P of k plus 1 is true. कैसे करेंगे बताओ? 8k to k हम लोग क्या प्रूफ करना है? K plus 1 is 5m is divisible by 5. यही प्रूफ करना है ना स्टेटमेंट? Yes sir. Yes, sir. तो अब देखो कैसे करते हैं 8k plus 1, 3k plus 1. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. मैं क्या कर रहा हूं ध्यान देना, 8 लिखा, 8 की पावर k लिखा, माइनस 3k लिखा, इंटू 3 लिखा. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अभी 8 की पावर k माइनस 3 की पावर k को मैं यहां से ला के रिप्लेस, यहां तक क्लियर है ना? बताओ तुम्हें क्या लगता है मैं अगला स्टेप क्या करूं? बोलो सर, 8k माइनस 3k, यहां से 8k ले आऊं और यहां पुट कर देता हूं. बताओ 8k क्या है? 8 की पावर k का वैल्यू कितना है यहां से बताओ? 5m 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 3 की पावर k. चमक रहा है क्या थोड़ा बहुत भी? Yes, क्या लिखा है बताओ? 40m प्लस बोलो 8 इंटू 3 की पावर के माइनस 3 इंटू 3 की पावर के. चमका? यस सर. क्या हो जाएगा बताओ? 40m प्लस 5 इंटू बोलो बेटा 3 की पावर के. चमका? हाँ सर. जो कि दिख रहा है कि 5 से डिविजिबल है. बोलो हाउ इज दिस डिविजिबल बाय 5 बताओ. बोलो 40m इज डिविजिबल बाय 5 एंड 5 इनटू 3 रेस्ट टू k इज आल्सो डिविजिबल बाय 5. हां सही है. सो देयर सम विल आल्सो बी डिविजिबल. हां अरे इतना सबको क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर. अरे समझा कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन? यस सर. यस सर. सर गाइस सम को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है कि 8 पावर k माइनस 3 पावर k बाय m इक्वल्स टू 5, देयरफॉर इट इज आल्सो इक्वल टू 8 पावर k प्लस 1. क्या 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 वापस क्या क्या क्या? 8 पावर k माइनस 3 पावर k डिवाइडेड बाय m इज इक्वल्स टू 8 पावर k प्लस 1 माइनस 3 पावर k प्लस 1 डिवाइडेड बाय n. माइनस 3 की पावर के बाय 5. हाँ बोलो इज इक्वल टू एम. हाँ सर 5 नहीं सर m डिवाइडेड बाय m लेंगे तो इक्वल टू 5. हाँ फिर सर वैसे ही अगर हम 5 का वैल्यू इज टू के प्लस 1 में निकालेंगे तो 5 का वैल्यू 8 माइनस 3 लिख दिया फिर क्या करें? नहीं सर वैसे नहीं, इज टू के प्लस 1 माइनस 3 रेस टू के प्लस 1 डिवाइडेड बाय n. डिवाइड बाय n इज इक्वल टू 5. हां फिर सर तो अगर बट यहां पर n कैसे आ सकता है? हां मतलब फिर क्या बोल रहे हो? फिर क्या बोल रहे हो सर? फिर ये दोनों ये इक्वल हो जाएंगे ना? कैसे इक्वल हो जाएंगे? हां दोनों इक्वल हो गए फिर तो क्या हुआ उससे? तो उससे नहीं कर सकते. हां उससे हुआ क्या? दोनों इक्वल हो गए तो पूछ रहा हूँ वैसे कर सकते हैं क्या? नहीं क्योंकि मैंने ऐसे ट्राई किया पर हो नहीं रहा था तो इसलिए पूछा एक बार कर सकते हैं. लॉजिकल ही नहीं है. लॉजिकल नहीं है ना. n को हमने पहले कैसे रिप्लेस? इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है क्या जितना किया अभी? यस सर. कॉपी करिए. क्या कर रहे हो इंग्लिश में?
रब करें। यस सर। सॉल्व करो तो डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन ही है ना। हाँ
सर हो गया तो क्या होगा स्टार्टिंग पॉइंट, इस पूरे स्टेटमेंट को क्या मान लेंगे? ठीक है, फिर स्टेप वन क्या होगा? पी ऑफ वन वेरीफाई करना. पी ऑफ वन क्या होगा? टू इंटू सेवन की पावर वन, थ्री इंटू फाइव की पावर वन माइनस फाइव, कितना आ रहा है? 14 29 24, जो कि डिविजिबल बाई 8 तो है. ठीक है, स्टेप टू क्या होगा? अज्यूम पी ऑफ के इज ट्रू. अज्यूम पी ऑफ के इज ट्रू मतलब 2 इंटू 7 की पावर के प्लस 3 इंटू 5 की पावर के माइनस 5. हाँ सर, इसको ये मल्टीपल, इसको मान लेंगे डिविजिबल बाय 8 है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे? दिस इज इक्वल टू 8m. 8m क्यों? बिकॉज ये डिविजिबल बाय 8 है. ठीक है, स्टेप थ्री क्या करना पड़ेगा? p ऑफ k प्लस 1 को ट्रू प्रूफ करना है. मतलब हम लोगों को क्या ट्रू प्रूफ करना है? 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू बोलो 5 की पावर k प्लस 1 माइनस 5 शुड बी डिविजिबल बाय 8. डिविजिबल बाय 8, फाइन. तो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं. कैसे करें बताओ सर? उसको 2 इंटू को, उसको 1 को नीचे लेके आ सकते हैं ना, इंटू 7 हो जाएगा ना फर्स्ट वाला, 7 के इंटू 7 है ना, और प्लस 3 इंटू 5 की पावर के इंटू 5 और माइनस 5. ठीक है, तो अभी ये 7 की, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 14 लिख सकता हूँ ना मैं तो. यस सर, इसको मैं 14 लिख दी तो 4, तो यहां से मैं 2 इंटू 7 की पावर k को एक बार में रिप्लेस कर सकता हूँ ना. 8m प्लस 5, चमक रहा है क्या? 3 इंटू 5 की पावर के, समझे नहीं समझे हो? और इंटू 7 प्लस क्या लिखा है? 15 इंटू 5 की पावर के माइनस 5, चमका. तो क्या लिखा है बताइए? 56m प्लस 35. सर नहीं समझा, एक और बार बताएंगे सर. क्या बताओ, कौन सा स्टेप? ये कैसे आया? 2.7 रेस 2 के. हाँ, 2 पॉइंट नहीं है मेरे भाई, 2 पॉइंट नहीं है. हाँ सर, 2 मल्टीप्लाइड बस सर निकल गया. हाँ, के पॉइंट और मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी ना, 8m प्लस 5, 8m प्लस 5 और ये जाएगा ना इधर दोनों. हाँ सर, तो 2 इंटू 7 की पावर k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8m प्लस 5 माइनस 3 इंटू 5 की पावर की, चमका. हाँ सर, ये क्या लिखा है? 21 इंटू 5 की पावर के प्लस 15 इंटू 5 की पावर के माइनस 5, क्लियर है? अगला क्या होगा बताओ? तो ये आ गया तुम्हारा 56m आ गया, यहाँ पे 35 माइनस 5 30. कुछ गलती करी क्या मैंने? सर मेरा भी यही आया. सर मेरा भी यही आया, पर वो डिवाइड नहीं हो रहा था सर. मैंने क्वेश्चन गलत नहीं सर, शायद मैंने गलती की है मेरे ही सर. मैंने इसको ना, जब मैंने ऊपर जो सेवन गलती, अरे तुम्हारी गलती तुम जानो यार, हम सर तो मेरा करेंगे. मेरा हो रहा है ना सर, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ. वो जो मैंने जब अज्यूम किया था, मैंने जब उसको लेफ्ट हैंड साइड को जब राइट हैंड साइड पे लिया, तभी मैंने ना उसको ना प्लस को प्लस ही रहने दिया, जो माइनस को माइनस ही रहने दिया, वैसा किया मैंने. वो मैंने मिस्टेक किया था वैसा, और वो करके मुझे आ गया आंसर वैसा हुआ. दो मिनट रुक जाओ, क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं समझ में आया क्या हो रहा है. ठीक है, थर्टी और यहाँ पे क्या आ रहा है?
माइनस सिक्स इंटू फाइव पावर के, सिक्स इंटू फाइव का और के है ना, दिस शुड बी डिविजिबल बाई एट राइट। यस सर। तो ये टर्म फंसा दिया ना तुमको, दिस टर्म इज गिविंग यू अ प्रॉब्लम ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 56 एम ले लिया यहाँ पे और इसमें से 6 बाहर ले लिया, तो क्या लिखा है बताओ, 5 माइनस 5 की पावर के, ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। 5 माइनस 5 की पावर के, ये बात चमकती है ना? ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है, देखो कि 5 माइनस 5 की पावर के जो होगा इस पे काम करना पड़ जाएगा ना फिर हम लोगों को थोड़ा सा। थोड़ा सा इशू आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो देखो पहला है कि 56 एम में तो दिक्कत नहीं आया। नहीं सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं आया, ये तो डिविजिबल बाय 8 हो गया है ना, इस वाले टर्म में नहीं बता पा रहे हैं, बोलो हाँ या ना। यस सर। इस टर्म में 6 तो ऑलरेडी है ना, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, टू प्रूफ 5k माइनस 5 इज मल्टीपल ऑफ 2, तो मेरा काम हो जाएगा कि नहीं होगा, बताओ सर। अगर वो मल्टीपल है तो हो जाएगा सर शायद। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, 4 या फिर 6 ले रहे हैं सर, तो क्योंकि बाहर में तो ऑलरेडी, बाहर में तो ऑलरेडी 6 है ना, तो अगर मैंने 5k माइनस 5 को मल्टीपल ऑफ 2 प्रूफ कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा ना, बिकॉज एक 2 यहाँ से आएगा और एक 2 यहाँ से आएगा, 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा, 4 होगा काम कि नहीं होगा, कुछ और गड़बड़ कर रहा हूँ मैं सर। डिवाइडेड बाय 8 लेना है। हाँ, डिवाइडेड बाय 8 नहीं लेंगे, एक काम करते हैं डिवाइड बाई 4 कर देते हैं, अब हो जाएगा ना काम, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे 2 है ना, एक यहाँ पर जो 6 लिखा sir. हुआ है इसमें ऑलरेडी एक 2 है ना प्रेजेंट पहले से। यस सर। यस सर। तो अगर मैं 5k माइनस 5 को मल्टीपल ऑफ 4 कर दूंगा तो इस पूरे टर्म में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4 8 आ जाएगा ना। यस सर। नहीं समझा? समझा सर। अरे भाई 5 माइनस 5k के बाहर में पहले से ही 6 है ना, तो वहां पे 2। अच्छा मुझे एक चीज बताओ यार, वो थोड़ा तुम्हें बहुत ज्यादा ही अजीब सा पढ़ रहे हो, रुको एक मिनट, मुझे ये बताओ 6 इंटू 5k माइनस 5 ये मल्टीपल ऑफ 3 है कि नहीं, ये बताओ पहले। है सर। है ना, ये टर्म मल्टीपल ऑफ 2 है कि नहीं है? है। अरे यहाँ पर 6 है ना पहले से, तो होगा ही, ये बात चमकती है। तो मैं बस ये कह रहा हूं कि 5k माइनस 5 को अगर मल्टीपल ऑफ 4 कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा ना, नहीं होगा? यस सर। होगा। यस सर। अरे ये बात चमक रही है, मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर, सर चमक रही है। सर। हाँ बोलो। वो जो माइनस 21.5 है वो माइनस 3.5 इंटू 7 से आया। हाँ हाँ, पर 7 इंटू 3.5 तो 24.5 हुआ ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग सुनते कहाँ हो, वो पॉइंट थोड़ी ना है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। अच्छा सॉरी सर, मैंने ये प्रूव कर दिया सर, 5k माइनस 5 पावर k माइनस 5 सर, तो उस तरह से आता है सर। हां तो प्रूव करना ही पड़ेगा ना, तो अब इसको प्रूव करना है मल्टीपल ऑफ 4 ना। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस ना, तो व्हाट वी विल से, हाउ विल से बताओ। नो राइट स्टेप, वी विल राइट अगेन स्टेप 1 2 पर ना सर, क्लास करते में मूवी ना बगत ई ऑफ 1 क्या होगा बोलो, 5-1 5-1 कितना आया, 0 आया ना, क्लास नंबर दियो,
आई त्याला पण त्रास होतो क्लास कितने बजे का था चेक करा चेक करा मला तो लोग बैठ का माइक ना आराम से बहुत मीन के पार्ट से हां पार्ट 1 है नहीं रे नहीं खाने का नहीं पार्ट 1 का वांटेड चाहिए पार्ट 2 येणार चल मग मग 1 तर बघून दे मग 1 बघूया ना नंतर अरे समझे हो क्या तुम कुछ भी हाँ सर समझे हाँ सर समझे सर मैं इस केस में p ऑफ n को यहाँ पे स्टेटमेंट p ऑफ k मानना पड़ेगा ना इसको मैं क्या कह लूंगा p ऑफ n को ट्रू मान लूंगा मतलब क्या हो जाएगा बताओ 5 टू द पावर n माइनस 5 इज मल्टीपल ऑफ 4 इसको 4z पकड़ लिए स्टेप 3 क्या होगा बताओ p ऑफ n प्लस 1 को ट्रू राइट तो कैसे करेंगे बोलो 5 इंटू n प्लस 1 माइनस 5 क्लियर है यस सर यस सर यस सर तो ये क्या होगा इसको क्या प्रूव करना पड़ेगा 4p ना 4 पता नहीं क्या तुम लोग का बैच 5 की पावर n प्लस 1 माइनस 5 को क्या प्रूव करना पड़ेगा 4s प्रूव करना पड़ेगा ना मुझे यही प्रूव करना है ना यस सर यस सर कैसे होगा प्रूफ बताओ सर 5 पावर n इनटू 5 माइनस 5 है ना 5 सर और 5 की पावर n की वैल्यू देनी है 5 प्लस 4z लिख देंगे जो कितना आ गया बोलो 25 प्लस 5 चौके 20 20z और यहां पर 20 ये बात चमकती है व्हिच इज व्हाट Which is multiple of 4 ये बात चमकती है तो by induction क्या प्रूव हो गया by induction what have we proved sir 5 k minus 5 is divisible by 4 we proved that 5 k minus 5 is divisible by 4 now once 5 k minus 4 is divisible by 4 अगर वो 4 का मल्टीपल हो गया that means ये जो पूरा टर्म था this term is multiple of 8 तो ये जो पूरा टर्म है वो क्या हो गया दिस होल मिला के डिविजिबल बाय 8 हो गया ना ये क्लियर है क्या सर कॉपी करो सर तो जो 5 माइनस 5 पावर k है उसके जगह हम 4z डालेंगे ना हाँ डायरेक्ट वैसे ही नहीं करना है ना उसके जगह सब्स्टिट्यूट करना है ना 4z काय का 4z कहां पे 4z सर 5 माइनस 5 पावर जो k है सर उसमें से हमें 4z सब्स्टिट्यूट करके ही सर वो सॉल्व करना पड़ेगा ना हो गया नीचे प्रूफ कर दिया ना कि हो गया वो मल्टीपल ऑफ 4 है खत्म बात ना ओके सर अगर ये चीज मल्टीपल ऑफ 4 है तो बात तो वहीं खत्म हो गई ना यस सर अरे इतना क्लियर है क्या कोई कॉपी करने के मूड में है इस क्वेश्चन को सर कर दिया सर कॉपी कर सर इस टाइप सम सर एमसीक्यू फॉर्मेट में कैसे पूछेंगे उनको क्या मतलब है सर यार तुम पढ़ो ना अभी एमसीक्यू भाड़ में गया कॉपी कर लिए यस सर हो गया सर हाँ बोलो वो आंसर में 5 माइनस 5 के और आपने प्रूफ 5 के माइनस 5 के है तो उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या यार 4 अगर डिविजिबल है तो माइनस 4 भी डिविजिबल है ना ओके सर टू प्रूव दैट ए की पावर prove that a की power n minus b की power n is divisible by a minus b
कैसे करें बताओ, इस चीज को क्या मान लें? Pn. Pn मान लें इस चीज को? Yes sir. Yes sir. तो P of one match करो, सही है. A minus B is divisible by A minus B, है ना? P of K क्या होगा? A की पावर K माइनस, बोलो, B की पावर K is divisible by A minus B. मतलब that implies क्या बताओ? A की पावर के माइनस बी की पावर के इज, बोलो, मल्टीपल ऑफ एम ऑफ ए माइनस बी. हम लोगों को क्या प्रूव करना है? पी ऑफ के प्लस वन कैसे आएगा बताओ? ए इंटू के प्लस वन माइनस बी इंटू क्या आएगा बताओ? ए के इंटू ए माइनस, बोलिए, बी के इंटू बी. और ए के का वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ना वहां से, कितना आया ए के का वैल्यू? माइनस बी प्लस बी के. एम इंटू ए माइनस बी प्लस बी के इंटू ए माइनस बी के इंटू बी, है ना? यस सर. तो क्या लिखा है? एम इंटू ए माइनस बी, है ना, प्लस ए बी के. प्लस ए बी के. दो 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 ए कैसे आ गया? ओ हाँ सर, एक नहीं रहेगा. ए बी के माइनस बी बी के, चमका वे. यस. देखो क्या बन गया, एम इंटू ए माइनस बी प्लस, बताइए, बी की पावर के बाहर ले लें तो क्या लिखा है बताओ? ए माइनस बी, चमका, विच इज सर, विच इज divisible by a minus b. चमक रहा है? Yes sir, चमक रहा है. Clear है? Yes. Yes sir. Yes sir. Copy करो. सर मतलब दोनों टर्म्स में अगर ए मतलब जिससे भी हमें प्रूफ करना है कि इससे डिविजिबल है और दोनों टर्म्स में वो आ गया नंबर, जैसे कि हाँ ए माइनस बी है, तो मतलब वो डिविजिबल हो जाएगा. हाँ, हाँ. ओके सर. रब करें. यस सर. यहां तक क्लियर है? यस सर.
एक और क्वेश्चन सॉल्व करो, इस बार तुम लोग सॉल्व करो, मैं सफिशिएंट टाइम देता हूँ। प्रूव दैट 2 की पावर n इज ग्रेटर देन n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। चलो सॉल्व करो, टेक योर टाइम, बनना चाहिए।
हुआ क्या कुछ भी सर? जो थर्ड स्टेप में ना मुझे 2 इनटू 2 की पावर के इज बिगर देन के हाँ सर, वैसे अरेंज करने के बाद कैसे सॉल्व करेंगे सर? कैन यू प्लीज टेल? चलो हाँ, तो आपका फर्स्ट स्टेप तो हो गया होगा बेटा। यस सर। आपने इसको कह दिया कि आपका नाम क्या है, पी ऑफ एन है ना, तो आपने क्या डाल दिया बेटा, पी ऑफ वन डाल दिया, राइट? यस। पी ऑफ वन में क्या प्रूव किया बच्चों आपने? यस सर। स्टेप टू क्या मानेंगे अपन, बताओ? पी ऑफ के। That means what? क्या माना तुमने? That implies तुमने क्या माना है? 2 की पावर k is greater than k. Okay? Now क्या प्रूफ करना है ये बताओ? P of k plus 1. These are very important things, ठीक है? To prove p of k plus 1 is true. मतलब what do we need to prove? That implies to prove what? बताओ? To prove to k plus 1 is greater than k plus 1. Nice. Okay. This we need to prove. Now, how do we involve this and this? How do we involve? 2 raised to k into 2. Yes. Nice. Very nice. Solution. Let's start. जैसे हम लोग सब में left से start करते थे, यहाँ भी left से start किया, ठीक है? इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 into? 2 k dot 2. यहाँ तक clear है? Yes, sir. और अब स्टेप टू वाले चीज को मैं यूज कर सकता है ना, स्टेप टू से मैं इसको ये लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, ये बताओ? यस सर, लिख सकता है। और 2k को मैं k प्लस k लिख सकता है? यस। 2k को अपन k प्लस k लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते है, बताओ? लिख सकते हैं। अब इसमें क्या दिक्कत हो गई? लिख सकते हैं। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। और एक के को छोड़ दिया और दूसरे के को वन से बड़ा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? हाँ सर, हो गया ना प्रूफ। आपने क्या प्रूफ कर दिया? दैट इंप्लाइज, बोलो क्या प्रूफ कर दिया? बोलो, 2 की पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन, बोलिए क्या प्रूफ कर दिया आपने? k प्लस 1। अरे ये बात क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। हेलो गाइस, एवरीथिंग क्लियर? सर वापस बताना है क्या शॉर्ट से? बताओ क्या बताए, बोलो। 2.2 किया, अरे मेरे भाई हाथ जोड़ रहा है यार, 2.2 नहीं है यार, 2 into 2 के आया, फिर उसके बाद वो 2 के कहां से? यहां से, स्टेप 2 से। स्टेप 2 में तुमने कहा है ना कि 2 की पावर k जो है k से बड़ा है। अच्छा हाँ, दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 की पावर k आ जाएगा, ये बात चमकती है? यस सर। और k प्लस k, एक के को वैसे ही रखा और दूसरा के जो है मालूम है ना हमको, वन से बड़ा या बराबर है, तो क्या प्रूव हो गया बताओ? क्योंकि 2 की पावर k प्लस 1 जो है वो हमेशा क्या है, k प्लस 1 से बड़ा है। ये चीज क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अरे भाई, अगर मैंने ये प्रूव किया कि 5 जो है 3 से बड़ा है और 3 जो है 2 से बड़ा है, डज दैट नॉट मीन कि 5 जो है 2 से बड़ा है? Yes, sir. Does mean. इतना सबको क्लियर है? एग्जाम्पल 4.1 का नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए 8 से लेके 17 तक होमवर्क, 4.1 का 8 से लेके 17 तक होमवर्क, और एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर से चैप्टर 1, सारी बुक्स आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगी, राइट? यस सर। ठीक है, होमवर्क सबको क्लियर है, कॉपी कर लो सर। एनसीईआरटी 4.1 का 8 से 17, राइट? यस। कॉपी कर लिए? यस सर। चलो सर, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you.